हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपने 10th क्लास बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपके इसमें अच्छे परसेंटेज बनेंगे। अभी तक 9th क्लास तक आपने कॉमन सब्जेक्ट ही पढ़े हैं, लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास में आते हो तब आपको सेलेक्टेड सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते हैं। इसमें तीन तरह की स्ट्रीम होती है। पहली वाली होती है साइंस आर्ट्स स्ट्रीम, दूसरी होती है साइंस स्ट्रीम, तीसरी होती है कॉमर्स स्ट्रीम। जैसा कि आपने कभी बचपन में सोचा होगा, आपका कोई एम होगा कि भाई जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे कोई इंजीनियर बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपका एम कलेक्टर बनने का है, कोई IPS ऑफिसर बनने का है, तो आप आर्ट्स स्ट्रीम को सिलेक्शन करते हैं। अगर आपका इंजीनियर बनने का है तो आप साइंस मैथ सब्जेक्ट लेते हैं और उसकी पढ़ाई करते हैं। अगर आपके डॉक्टर बनने का है तो साइंस आपको कॉमर्स बायो लेनी पड़ती है और उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप किसी बैंक में किसी मैनेजर का अगर आप काम करना चाहते हो, कोई नौकरी करना चाहते हो, कोई अकाउंटेंट ऑफिसर बनना चाहते हो, तो इसमें इसके लिए आपको कॉमर्स स्ट्रीम पढ़नी पड़ती है, उसके सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आज मैं आपको साइंस स्ट्रीम के बारे में बताऊँगा। इसमें दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं साइंस स्ट्रीम में। एक साइंस मैथ्स होती है, एक साइंस बायो होती है। साइंस मैथ्स और साइंस बायो में कॉमन सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, लेकिन उसका डिफरेंट केवल एक सब्जेक्ट का होता है, एक बायो का और एक मैथ्स का। अगर आप मैथ्स सेलेक्ट करते हो तो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट कहलाते हैं, अगर आप बायो का अगर सेलेक्ट करते हो तो साइंस बायो के स्टूडेंट कहलाते हैं। तो अगर साइंस मैथ्स लेते हो तो इसमें आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है और मैथ्स पढ़नी पड़ती है। आज मैं आपको मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, उसका एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने आपको एक चैप्टर इस वीडियो में लिया है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक है, तो अपन सीखते हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति फलन। जैसा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में 10th क्लास में पढ़ा है, जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा है। आज हम सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेट कहाँ से हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, पहले अपन ये चीज़ समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला है वर्ड है ट्राइगोन, दूसरा वर्ड है मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है थ्री साइड वाला, मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट। इसका मतलब तीन साइड का मेजरमेंट करना। तीन साइड का मेजरमेंट अपन करते हैं ट्राइंगल में, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हुए उसके साइड का मेजरमेंट करना ही ट्रिग्नोमेट्री है। अब उसके बाद हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं। छोटी क्लासों में आपने एंगल पढ़ा है। एंगल किससे बनता है? दो रे से बनता है। रे भी पता होगी आपको, एक तरफ पॉइंट हो, एक तरफ एरो हो, इसको अपन रे कहते हैं। तो दो रे का यूज़ करते हुए क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें 11th क्लास में चेंज है, क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो देखते हैं कि जैसे ये कोई रे है, इस रे को मैं क्या कराता हूँ? रोटेशन कराता हूँ। इस रे की फर्स्ट पोजिशन ये है, जब मैंने इसको एंटी क्लॉक वाइज यानी कि इस तरफ से इसको मैं रोटेशन कराता हूँ, तो इस रे की लास्ट वाली पोजीशन ओ बी आती है। अब ओ ए और ओ बी के बिटवीन जो रोटेशन है, जो घुमा हुए, जो गैप है, वही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। अब आप देख सकते हैं इसमें ओ ए, इसको हम कहेंगे इनिशियल साइड, ओ बी जो है इसको कहेंगे टर्मिनल साइड, ओ वाले को हम कहेंगे वर्टेक्स ऑफ एंगल। इस वर्टेक्स ऑफ एंगल से इसको हम रोटेशन करवाते हैं। रोटेशन दो तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकता है एंटी क्लॉक वाइज या हो सकता है क्लॉक वाइज। अब इस फिगर को देखो आप, ये आपका एंटी क्लॉक वाइज था, ये हुआ था क्लॉक वाइज। इसमें क्या हो रहा है? ओ है वही इनिशियल साइड, इस रे को अपन ने क्या किया है? रोटेशन करवाया है इस तरह से, तो इसकी लास्ट वाली पोजिशन ओ बी नीचे की तरफ है, तो ये वाला होता है क्लॉक वाइज। इसमें क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज के अकॉर्डिंग आपके एंगल दो तरह के बनते हैं। एक एंगल बनता है पॉजिटिव एंगल, और पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? जब आपका रोटेशन कैसे हो?
एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा की ओर, जैसे इस तरह से। अगर इस तरह से अपन रोटेशन करेंगे इस तरह से, तो ये बनेगा आपका पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कब बनता है? जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग, इस तरह से। तो इस वाले में आपका एंगल बनेगा नेगेटिव और इस वाले में बनेगा आपका एंगल पॉजिटिव। अब हम एंगल ही पढ़ रहे हैं तो एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे उसका इसको मापते हैं, इसके लिए हमारे पास तीन तरह के सिस्टम है। पहला है सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटीसिमल सिस्टम और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। अब हम एक एक पढ़ेंगे। इस वाले सिस्टम को हिंदी में कहते हैं षष्ठक पद्धति। इसके दो अदर नेम भी हैं, पहला वाला है ब्रिटिश सिस्टम और उसका अदर और नेम है इंग्लिश सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें हम वैल्यू इस तरह से लेते हैं कि एक राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, मतलब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटा गया है और इच पार्ट को अपन कहते हैं डिग्री। डिग्री का ये सिंबल है, छोटा सा सर्कल है जो इसके ऊपर लगाते हैं, ये डिग्री। फिर आगे लिखा हुआ है 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट। इस ऊपर वाले एक डैश को अपन मिनट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि एक डिग्री को हम 60 अलग इक्वल पार्ट में बांटते हैं और इच पार्ट को हम कहते हैं मिनट, जिसको इस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डैश से। उसके बाद आता है 1 डैश यानी कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड, डबल डैश का मतलब हुआ सेकंड। तो 1 डैश इक्वल हो गया 60 सेकंड। तो 1 मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, इच पार्ट को हम कहेंगे सेकंड। सेकंड को ध्यान रखना है डबल डैश से और मिनट को 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एंगल आते हैं डिग्री से रिलेटेड। तो इस प्रकार के सिस्टम को सेक्सागेसिमल सिस्टम कहते हैं। दूसरा सिस्टम आता है सेंटीसिमल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं शतांशक सिस्टम, शतांशक पद्धति। इसमें 100 लेके करते हैं। इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है, यानी कि एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है और इच पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। दूसरा, एक ग्रेड जो होती है उसको हम 100 फ्रेंड्स मिनट में इक्वल के लिखते हैं, यानी कि मिनट में लिख रहे हैं तो इसके ऊपर एक डैश लगाएंगे। उसके बाद एक फ्रेंच मिनट को हम 100 सेकंड यानी कि 100 फ्रेंच सेकंड की फॉर्म में लिखते हैं। फ्रेंच सेकंड, फ्रेंच मिनट आ रहे हैं, इसलिए इसका एक अदर नेम भी है जिसको हम कहेंगे फ्रेंच सिस्टम। अब आता है तीसरा वाला होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को कहते हैं वृत्ति पद्धति हिंदी में। अब इसमें क्या होता है, एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हम रेडियन की फॉर्म में करते हैं, रेडियन। अब रेडियन क्या होता है वो मैंने इस फिगर से बता रखा है, आपको दिख रहा होगा। एक सर्कल है, ओ यहाँ सेंटर है, ओ पी जिसकी रेडियस बता रखी है 1 यूनिट और पी से क्यू ये भी 1 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सर्कल जिसका सेंटर ओ और 1 यूनिट का सर्कल जिसमें हम इस पी वाले पॉइंट को रोटेशन करवा रहे हैं, इसका आर्क भी ले रहे हैं 1 सेकंड 1 यूनिट, तो इसके बिटवीन जो एंगल यहाँ बनेगा इस एंगल को अपन कहेंगे रेडियन। क्या कहते हैं, रेडियन। और रेडियन को हम 1 और ये ऊपर ऐसा छोटा सा सी लिखते हैं, 1 सी से डिनोटेट किया जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेट करने वाला दो वर्ड कौन से हैं वो पढ़ा, फिर एंगल के बारे में पढ़ा, एंगल का मेजरमेंट कितने सिस्टम में डिवाइड हुआ है वो पढ़ा, और आगे के हम इसका सर्कुलर सिस्टम और सेक्सागेसिमल सिस्टम के बारे में विस्तार से और पढ़ेंगे। थैंक यू।